हेलो दोस्तों, मेरे चैनल आदर्श नारी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सुबह के नाश्ते में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, सुबह का नाश्ता हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं, बट जानने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैंने ज्यादा से ज्यादा उन सभी पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है जो आपके लिए जानना फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। दोस्तों, अक्सर अपने बड़े बुजुर्ग से आपने एक पुरानी कहावत सुनाई होगा कि सुबह का नाश्ता राजा की तरह, दोपहर का खाना राजकुमार की तरह और रात का खाना फकीर की तरह खाना चाहिए। दरअसल रात भर सोने के बाद सुबह दिन भर तरोताजा रहने के लिए हमारे शरीर को कुछ स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ते की जरूरत होती है। सुबह का हेल्दी नाश्ता दिन के बीच में बार बार होने वाली शारीरिक कमजोरी और भूख लगने की आदत से बचा सकता है। साथ ही आपकी बॉडी का शेप और वजन की काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप सुबह के नाश्ते में क्या खाते हैं। कुछ लोग सुबह के नाश्ते में बहुत ज्यादा भारी मात्रा में भोजन जैसे तेलीय पदार्थ, फास्ट फूड, मसालेदार बिस्किट और व्हाइट ब्रेड जैसी अनहेल्दी चीजों का सेवन करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता। दोस्तों, आपका सुबह का नाश्ता ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक और हेल्दी होना चाहिए। इसमें प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और हेल्दी फैट शामिल होना चाहिए जो आपके सेहत के लिए फायदेमंद हो। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि सुबह के नाश्ते में हमें क्या खाना चाहिए। दोस्तों, सुबह हर किसी को थोड़ी जल्दी होती है, किसी को ऑफिस जाने की तो किसी को स्कूल और कॉलेज जाने की। ऐसे में कम समय में सुबह हेल्दी नाश्ता बनाने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए यहाँ हम कुछ टिप्स दे रहे हैं जो सुबह का हेल्दी नाश्ता बनाने में उपयोगी हो सकती है, जो बड़ों से लेकर बच्चों के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो पहला है ओट्स। दोस्तों, सुबह के नाश्ते में ओट्स या ओट मील का सेवन करना सबसे बेस्ट होता है। यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर के गुणों से भरपूर होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है। दोस्तों, ओट्स एक प्रकार का दलहन है जो आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगी। बाजार में दो प्रकार के ओट्स पाए जाते हैं, पहला सिंपल ओट्स और दूसरा मसाला ओट्स। सिंपल ओट्स मसाला ओट्स की तुलना में सबसे लाभकारी होता है। ओट्स को और ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें कुछ ड्राई फ्रूट, सीड्स और फलों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जानते हैं ओट्स खाने के फायदे। ओट्स खाने से हमारा वजन नियंत्रित रहता है, इससे हमें अच्छा प्रोटीन मिलता है। ओट्स खाने से हमारे शरीर को जरूरी ऊर्जा मिलती है, यह दिल और पेट से जुड़ी परेशानियों को दूर करती है। दूसरा है दलिया। दोस्तों, सुबह के नाश्ते में दलिया का सेवन करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसमें फाइबर और कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जो लोग अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें सुबह के नाश्ते में दूध से बना दलिया जरूर खाना चाहिए, और जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, वो दलिया को सब्जियों के साथ मिक्स करके खा सकते हैं। अब जानते हैं दलिया खाने के फायदे। दलिया वजन घटाने और बढ़ाने दोनों में सहायक होता है। यह शरीर में आवश्यक एनर्जी प्रदान करता है। दलिया में पाए जाने वाला फाइबर पेट की बीमारियों से आराम दिलाता है। यह पाचन क्रिया में सुधार करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। तीसरा है अंडा। दोस्तों, सुबह के नाश्ते में अंडा का सेवन आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अंडा प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है, साथ ही इसमें कई तरह के विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। सुबह के नाश्ते में अंडा दुनिया भर के देशों में इस्तेमाल किया जाता है। नाश्ते में अंडा का सेवन कई तरीकों से किया जा सकता है। पहला, उबाल कर, यह सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा, अंडे की भुर्जी बनाकर। तीसरा, ऑमलेट बनाकर। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो उबले हुए अंडे के सफेद भाग को सलाद में मिक्स करके खा सकते हैं, या वेट गेन करना चाहते हैं तो अंडा का पराठा बनाकर खा सकते हैं। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो आप अंडे के जगह पे पनीर का सेवन सेम तरीकों से कर सकते हैं, ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। चौथा है ड्राई फ्रूट। दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स यानी सूखे मेवे भी सुबह के नाश्ते के लिए अच्छा ऑप्शन है। ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम, किशमिश, छुहारे, खजूर, अंजीर, अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन और हेल्दी फैट अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यह हार्ट, दिमाग, स्किन, बाल और मांसपेशियों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। ड्राई फ्रूट्स खाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इन्हें रात में पानी में भिगोकर रख दें और अगली सुबह इनका सेवन करें। ऐसे खाने से आपको बहुत से फायदे मिलेंगे। आप इसे डाइट में भी शामिल कर सकते हैं। पांचवा है पीनट बटर और ब्राउन ब्रेड।
दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि सुबह देर से उठने के कारण नाश्ता तैयार करने का समय नहीं मिल पाता है और भूखे ही घर से बाहर निकलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कई लोग बिस्किट, नमकीन, व्हाइट ब्रेड या रात का बासी भोजन जैसे अनहेल्दी चीजें खा लेते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इस स्थिति में पीनट बटर सबसे ज्यादा काम आता है। आप पीनट बटर को ब्राउन ब्रेड के साथ मिक्स करके खा सकते हैं और इसमें बहुत कम समय लगता है। पीनट बटर मूंगफली से बना होता है और इसमें हेल्दी फैट, प्रोटीन और बहुत से मिनरल पाए जाते हैं। यह वजन कम करने, हार्ट को हेल्दी रखने, मांसपेशियों को मजबूत बनाने और स्किन के लिए लाभदायक होता है। छठा है फल। दोस्तों सुबह का समय फल खाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। फलों से हमें फाइबर, विटामिन और मिनरल प्राप्त होते हैं। फल इम्यूनिटी बढ़ाने, पाचन शक्ति को मजबूत बनाने, स्किन का ग्लो बढ़ाने, हार्ट और लीवर को स्वस्थ रखने व आँखों की रोशनी और बालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। सुबह के नाश्ते में आप सेब, केला, एवोकाडो, पपीता व अनार जैसे फलों का सेवन कर सकते हैं। सुबह नाश्ते में ज्यादा खट्टे फल नहीं खाने चाहिए, यह पेट में गैस व एसिडिटी बढ़ा सकते हैं। खट्टे फलों में सुबह केवल आंवला का सेवन किया जा सकता है। साथ ही आप फलों के जूस का सेवन भी कर सकते हैं, यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। सातवां है दही। दोस्तों सुबह के नाश्ते में दही खाना भी सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। सुबह नाश्ते में एक कटोरी दही खाने से पेट स्वस्थ रहता है और पाचन शक्ति मजबूत होती है। गर्मियों के मौसम में सुबह दही खाने से शरीर अंदर से ठंडा रहता है और इसमें मौजूद प्रोबायोटिक शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में लाभकारी होते हैं। सर्दी या बरसात के मौसम में दही नहीं खाने चाहिए, इससे सर्दी जुकाम जैसी समस्या हो सकती है। साथ ही दही में चीनी का इस्तेमाल ना करें। चीनी की जगह आप इसमें ड्राई फ्रूट या फल मिक्स करके खा सकते हैं। अगर आप पेट संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं और इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि सुबह के नाश्ते में क्या खाना चाहिए, तो आप सुबह के नाश्ते में दही का सेवन अवश्य करें, यह आपके लिए फायदेमंद होता है। आठवां है स्मूदी। दोस्तों सुबह के नाश्ते में स्मूदी भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। अगर आपका वजन कम है और आप मोटा होने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको सुबह के नाश्ते में बनाना शेक या मैंगो शेक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ये स्मूदी वजन बढ़ाने में काफी सहायक होती है। इन्हें और ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें ड्राई फ्रूट व अलसी के बीज भी मिक्स कर सकते हैं। हाई कैलोरी होने के वजह से ये स्मूदी वजन बढ़ाने के लिए सहायक होती है। तो दोस्तों ये सब थे हेल्दी फूड सुबह के नाश्ते के लिए। अगर आप रोजाना सुबह के नाश्ते में ये सब खाते हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों हफ्ते में 6 दिन हेल्दी नाश्ता करने के बाद आप रविवार वाले दिन कुछ अलग नाश्ता ट्राई कर सकते हैं, जैसे आलू पराठा, पोहा, इडली, ढोकला, मसाला डोसा, पास्ता। तो ये सब आप छुट्टी वाले दिन यानी रविवार को इस फूड को सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं कि सुबह के नाश्ते में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों हमेशा हेल्दी रहने के लिए जरूरी है कि आप अच्छा और हेल्दी खाना खाएं। अगर आप सुबह के नाश्ते में हेल्दी नाश्ता करते हैं तो आप हमेशा फिट रह सकते हैं, और यदि आप कोई ऐसा नाश्ता करते हैं जो हेल्दी ना हो तो ये आपके लिए कई बीमारियों का कारण बन सकता है। तो जानते हैं कि हमें सुबह के नाश्ते में क्या नहीं खाना चाहिए। तो पहला है, सुबह के नाश्ते में चाय या कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए। सुबह खाली पेट चाय या कॉफी पीने से हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। दूसरा है, सुबह के नाश्ते में आलू पराठा, मूली पराठा व गोभी पराठा का इस्तेमाल ना करें, यह शरीर का मोटापा बढ़ाने का काम करता है। कभी कभार इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन रोज इसका सेवन ना करें। तीसरा है, सुबह के नाश्ते में पूरी, ब्रेड पकौड़ा, समोसा व छोले भटूरे जैसी तली चीजें का सेवन नहीं करना चाहिए। चौथा है, सुबह के नाश्ते में नमकीन, बिस्किट, फैन, रस, सफेद ब्रेड, नूडल्स, पास्ता आदि चीजें, खासकर मैदे से बनी चीजें का सेवन नहीं करना चाहिए। और पांचवा है, कुछ लोग सुबह का नाश्ता रात को ही बना लेते हैं, यानी रात को सब्जी व रोटी या चावल ज्यादा बना लेते हैं और इसे सुबह के लिए भी रख देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार बासी भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों अब जानते हैं कि सुबह में नाश्ता करना क्यों जरूरी है। दोस्तों सुबह नाश्ता हमारे लिए बहुत जरूरी होता है और हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। तो अब जानते हैं कि सुबह में नाश्ता करना हमारे लिए क्यों जरूरी है।
तो पहला है, सुबह हेल्दी नाश्ता करने से शरीर को दिन भर काम करने के लिए एनर्जी, स्टेमिना और ताकत मिलती है, जिससे आप बेहतर ढंग से कार्य कर पाते हैं। दूसरा है, सुबह हेल्दी नाश्ता करने से मन तरोताजा रहता है और दिमाग भी सही से काम करता है। तीसरा है, सुबह प्रोटीन युक्त नाश्ता करने से मांसपेशियां व हड्डियां मजबूत होती है। चौथा है, दिल और लीवर के स्वास्थ्य के लिए भी सुबह का नाश्ता फायदेमंद होता है। पांचवा है, सुबह हेल्दी नाश्ता मोटापा कम करने या सेहत बनाने के लिए जरूरी होता है। वजन बढ़ाने की डाइट में सुबह का नाश्ता काफी अहम होता है। छठा है, पाचन तंत्र की मजबूती और मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए शरीर को सुबह हेल्दी भोजन की आवश्यकता होती है। सातवां है, सुबह हेल्दी नाश्ता करने से शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, जिससे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। और आठवां है, छोटे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सुबह हेल्दी नाश्ता करना बेहद फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, ये सब थे कि हमारे लिए सुबह का नाश्ता करना क्यों जरूरी है। दोस्तों, सुबह का नाश्ता स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद अहम होता है, इसलिए सुबह ज्यादा से ज्यादा हेल्दी चीजें भोजन में शामिल करने की कोशिश करें। साथ ही ऐसी चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें जिनसे आपके शरीर को नुकसान पहुँचे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गई होगी कि सुबह के नाश्ते में क्या खाएं और इसके क्या फायदे हैं जो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। अगर सुबह की हेल्दी नाश्ता या डाइट में क्या खाना चाहिए को लेकर आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको कई जरूरी जानकारियाँ मिली होगी। ऐसी और जानकारियाँ जानने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।